वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजेश रिसर्च पॉइंट में। आज हम एक नया दवाई लेकर आप सबके बीच आ गए हैं जिसका नाम है सिफ्लॉक्स डी। आपको बता दें कि सिफ्लॉक्स डी आई या ईयर ड्रॉप है, यानी हमारे आँख एवं कान के लिए यह दवाई का उपयोग किया जाता है। हम बात करेंगे इसे किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसका प्राइस क्या है, इसे आँख एवं कान के किन किन प्रकार के रोगों में इसका यूज कर सकते हैं और इसे डॉक्टर किस प्रकार से लेने की सलाह देते हैं। इसमें जो कंपोजिशन मिला हुआ है सिप्राफ्लॉक्सासिन एवं डेक्सामेथासोन, इस दोनों का क्या काम है हमारे आँख एवं कान में, तो इन सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। हम सिफ्लॉक्स डी का करें तो इसका यूज हम आँख एवं कान के संबंधित बीमारी, जैसे कि आपके आँख में जलन हो रहा है, आँख सूज गया है यानी सूजन हो गया है, या फिर किसी चोट की वजह से आँख लाल हो गया है, या फिर आँखों में सूजन हो गया है, या फिर आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपके आँख के किनारे से गंदगी निकल रहा है, या फिर आँख में दर्द हो रहा है और ज़्यादा देर तक लाइट या मोबाइल का यूज करने पर आँख में पानी आ जाता है, तो इन सब चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं। और कान में, जैसे कि कान बह रहा है, या फिर कान में सूजन हो गया है, या फिर कान में अधिकतर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आजकल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसमें मिला हुआ कंपोजिशन की। तो इसमें दो प्रकार के कंपोजिशन को शामिल किया गया है, पहला है सिप्राफ्लॉक्सासिन एवं दूसरा है डेक्सामेथासोन। इस दोनों का यूज के बारे में हम पूरा डिटेल आप सबको बताते हैं। इसमें जो मिला हुआ सिप्राफ्लॉक्सासिन है, यह एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, यानी जितने भी इन सभी में बीमारी है उनका ये, इनसे जो आगे खतरा पैदा होगा या फिर संक्रमण पैदा होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वृद्धि होगा, तो इन सभी चीज़ों को रोकने का काम सिप्राफ्लॉक्सासिन करता है। और इसमें मिला हुआ जो डेक्सामेथासोन है, या हमारे आँख या कान में संक्रमण के कारण होने वाला लालीपन जो हो जाता है, आँख लाल हो जाता है या कान के अंदर वाली परत लाल हो जाता है, फिर वहाँ खुजली होने लगता है, दर्द होने लगता है, इचिंग बढ़ जाता है, गंदगी का बाहर आना कान एवं नाक से होता है, आँख से जो बार बार पानी निकलता है, और आजकल आँख से पानी निकलना एक सामान्य बीमारी हो गया है, क्योंकि हम इस डिजिटल युग में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का यूज ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारे आँख से पानी निकलता है और आँख में अकड़न जैसा महसूस भी होता है, कान का बहना हो गया। इन सभी चीज़ों में डेक्सामेथासोन बहुत ही प्रभावशाली है। और इसकी बात करें तो यह 10 ml का ड्रॉप्स आता है, और इसकी MRP की बात करें तो बहुत ही कम, आपको 22 से 23 रुपया में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और इसे बहुत ही अच्छी कंपनी और जानी पहचानी सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बेस्ट कंपनी है। और बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो इसका डोज आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि आपके बीमारी के ऊपर डिपेंड है कि इसे किस प्रकार से लिया जाए। और इसे सामान्य रूप से आपको सुबह शाम 2 बूंद आँख में या फिर कान में लेने की सलाह दी जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको आँख या कान में लेते वक्त या लेने के 10 मिनट के अंदर जब दवाई हमारे त्वचा में घुलती है तो आपको जलन महसूस हो सकता है, उसके आसपास के क्षेत्र में खुजली जैसा महसूस हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा बहुत दर्द भी महसूस हो सकता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगला वीडियो किस बीमारी से संबंधित दवाई के बारे में जानकारी लेना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।